आज मैं बनाने जा रही हूँ गोश्त, और ये है जी गोट मीट। और इसके लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको रखा है वॉश करके, और यहाँ पे मैंने ये प्याज सारे काट लिए हैं, और साथ में ये 3 जिंजर क्यूब ली हैं, 2 गार्लिक क्यूब ली हैं, और इनको अब मैं इसमें डाल के और नमक मिर्च हल्दी और जीरा डाल के इसको प्रेशर कुकर में थोड़ी देर पकने के लिए रखती हूँ। और जी इसमें सारे मसाले जो नमक मिर्च हल्दी ओ फाजिया सॉरी मैं तुम्हें भूल गई, मिर्च मर्च नहीं, पंजाबी विच असी मर्च ही कहने हैं, मर्चा लगियां वो कहने हैं ना गल, मर्चा लगियां फिर है मर्च होंदी है। ओके पर चलो तुम्हारे लिए मिर्च कह देती हूँ। तो जी सॉल्ट और मिर्च और हल्दी और बाकी इसमें जीरा वो सब चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं, और अब हम इसको प्रेशर कुकर को बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर बाद में इसको भूनेंगे। ठीक है जी, कोई और गलती हो तो फौजिया बता देना। दोस्तों गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है, और अब इसमें मैंने आलू डाले हैं काट के थोड़े से। मैंने कहा आलू गोश्त सब लोग बनाते हैं, चलो मैं भी थोड़े से आलू इसमें डाल देती हूँ। तो गोश्त तो बिल्कुल गला हुआ है, बस आलू एक विसल में गल जाएंगे, और उसके बाद मैंने ये अपना गरम मसाला निकाल के रख दिया है। गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे, और जी गोश्त हमारा रेडी। तो अभी इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों गोश्त बिल्कुल बन के तैयार है, और इसमें आलू भी जो हैं वो गल गए हैं, और इधर हमने डूंगा निकाल लिया है जिसमें हम इसको सर्व करेंगे, और मैंने धनिया भी काट के रख लिया है। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो जी ये रहा हमारा गोश्त जो पका लिया है, और इसमें अब डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। तो जी देखिए गरम मसाला भी इसमें डल गया, और इसमें अगर फाइनल डेकोरेशन करनी हो तो आप इसमें अनियन और थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा प्याज भी, अनियन प्याज ही होते हैं, कहाँ गया दिमाग, प्याज अदरक हरी मिर्च इन सबको आप स्लाइस करके इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिखेगा। असल में दोस्तों पका पका के ना वो खाने का मन हो जाता है ना, और इंसान को होता है कि जल्दी जल्दी सर्व कर दो, तो वो बेटा मेरा वेट कर रहा है खाने के लिए, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सर्व करना है, तो मुझे सब तरफ की बातें सुननी पड़ती हैं। किसी को है कि हमारे घर में गोश्त क्यों पकता है, और किसी को है कि कब बनेगा और कब उनको खाने को मिलेगा, तो सबको खुश रखना है। तो सब खुश रहें दोस्तों, आप भी खुश रहो, और खाओ पकाओ अपनी सेहत बनाओ। बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।